आइए हम आपको दिखाते हैं सर्वाश्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस को। हम कंपनी के हेड ऑफिस के नीचे आ चुके हैं, जहां पर कंपनी का सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये आउटलेट। आप देख पा रहे हैं कंपनी का ये आउटलेट है। ये आउटलेट यहां के लोकल बिलिंग के लिए बनाया गया है और ये कंपनी इस आउटलेट के ऊपर जो फ्लोर बने हुए हैं उसके ऊपर कंपनी का हेड ऑफिस है, पहला हेड ऑफिस। इसके बाद हम आपको और भी ऑफिसेज विजिट कराएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लेकर के आए जो कै खाली में पड़ता है। यहाँ पर जो कंपनी का यहाँ पर जो कंपनी का हेड ऑफिस है, यहाँ से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे। कंपनी का ये आउटलेट है, आप देख पा रहे हैं। इस आउटलेट से हम आपको लेके चलते हैं। इस आउटलेट का हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि ये आउटलेट देखने में कैसा लगता है, यहाँ पर जो प्रोडक्टों की गैलरी है वो कैसी है, यहाँ पर कंटिन्यू बिलिंग चालू रहती है या नहीं रहती है। आइए हम आपको लेके चलते हैं कंपनी के आउटलेट के अंदर, जहाँ पर आप कंपनी के मोस्टली प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ही बहुत बेहतरीन तरीके से पैकेजिंग के और क्वालिटी के साथ रखे हुए हैं। हम कंपनी के आउटलेट के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को आउटलेट में किस प्रकार से डेकोरेट करके रखा हुआ है विथ क्वालिटी एंड सेफ्टी। आप देखेंगे इधर ये आउटलेट है, इस साइड में इधर आप देख पाएंगे कि सारे स्टाफ बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और यहाँ पर बिलिंग भी करते हैं साथ ही साथ, और लोगों को सर्विस बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आने के बाद फीडबैक मिला है। इसके बाद कंपनी ने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हुई है लीडरों के लिए। जो भी नोटिस बोर्ड है यहाँ पर, आप नोटिस बोर्ड देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी कोई भी चीज़ होता है किसी चीज़ को लेकर के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है। बाकी इन सब चीज़ों को देखने के बाद सारी चीज़ें जिस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, डेकोरेट की गई हैं, मैनेज की गई हैं, ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मैनेजमेंट का नमूना प्रदर्शन करती हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद रियलाइज होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने आप को रन कराने का जो जिम्मा लिया हुआ है वो पूरा उसको निभा रही है अच्छे तरीके से। अभी हम आउटलेट के बाहर आ चुके हैं और हम आपको कुछ और भी दृश्य दिखा देते हैं कि आउटलेट के बाहर कंपनी ने अपना डिजाइनेशन किस प्रकार से किया हुआ है। यहाँ पर आपको कंपनी का एग्रो केयर, बेबी केयर, होम केयर से रिलेटेड बैनर्स लगे हुए हैं। ये हम कंपनी के उस गेट पे खड़े हैं जहाँ से हमें कंपनी को विजिट करना है, हेड ऑफिस के अंदर जाना है। अब हम इसके अंदर भी चल के देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। ये हमने एंट्री किया कंपनी के अंदर थोड़ा सा, जहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा इन्होंने दिया है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, यानी कि जो सबसे बड़ा दौलत है वो आपका स्वास्थ्य है। इसके ऊपर कंपनी ने एंट्री गेट पे ही बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशनल वर्ड होता है। यदि कंपनी इस चीज़ को मानती है तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी पैसे के साथ साथ आपके हेल्थ पर भी फोकस करती है और कंपनी का मानना है कि हेल्थ ही हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है और ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है, माय डियर फ्रेंड। और कंपनी आप लोगों को पता है कि वेलनेस के साथ काम करती, इस बात को भली भांति समझती है। हम और कुछ स्टेप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें कोटेशन किया हुआ है, इनको भी आप देख सकते हैं। ये जो वर्ड लिखे हैं कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं, इसका हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है और वो कहीं ना कहीं कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके थॉट से मैच करता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पायदान पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से सर्वाश्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का एंट्री गेट है और यहाँ से हम कंपनी के ऑफिस अंदर विजिट करेंगे और देखेंगे कि अंदर कितना चीज़ें और किस प्रकार से मैनेज करी गई हैं, अंदर का ऑफिस डिपार्टमेंट किस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है, लीडरों के लिए क्या फैसिलिटी है, रिसेप्शन किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो आइए हम चलते हैं अगले स्टेप में। ये देखिए कंपनी ने एरोमा, जो इसका ब्रांड है एरोमा श्री साइन, यहाँ पर एक अच्छा सा उसका पोस्टर लगा हुआ है। ये देख लीजिए कंपनी का नाम सर्वाश्री हस, ये है कंपनी का एंट्री गेट। अब हम अंदर एंटर करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या मिलता है। वैसे रिसेप्शन ही मिलेगा, जैसा कि सभी कंपनियों के अंदर होता है, सबसे पहले रिसेप्शन ही हमें देखने को मिलता है, गुड आफ्टरनून मैम आने के बाद। और ये रिसेप्शन रूम है, यहाँ पर कंपनी ने जो भी चीज़ें मैनेज करी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज की। रिसेप्शन में बैठने की भी व्यवस्था, आगे एंटर करेंगे जहाँ पर कंपनी से जुड़े और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हमने सबसे पहले एंटर किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है लीडर्स रूम, यानी कि जब भी कोई लीडर आता है तो इसमें आकर के बैठ सकता है। वेटिंग रूम उसके लिए है, मीटिंग करने के लिए है। इसके बाद और भी आपको लीडर्स रूम मिलेंगे,
ये देखिए सामने ये मैम इंटर कर रही हैं, ये भी लीडर्स का रूम है। इसके अंदर भी लीडर अपने प्रोग्राम करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे लीडर्स रूम के अलावा। इसके बाद आप इधर देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा आपको गैलरी दिख रही है। इस गैलरी के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको परिचय कराएंगे इस गैलरी के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस कंपनी ने अपने लीडर्स के लिए सबसे पहले व्यवस्था करी हुई है कि यदि कंपनी में कोई लीडर आता है तो उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पर लीडरों के लिए अलग से रूम प्रोवाइड कराई हुई है ताकि वो बैठ करके अपनी टीम के साथ मीटिंग कर सके और अपने जो भी उसकी प्लानिंग है उसको कर सके। अब आपके सामने ये जो बड़ी सी गैलरी दिख रही है, इस गैलरी में भी क्या क्या फैसिलिटी है लीडर्स के लिए। चैम्बर है चेयरमैन सर का, एमडी सर का, वाइस प्रेसिडेंट सर का, इधर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया है लीडरों के लिए, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे डिजाइन करी गई हैं। सबसे पहले हम जैसे चलते हैं गैलरी से आगे की तरफ, तो यहाँ पर एक आपको और लीडर का रूम मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं लीडर के लिए चौथा रूम है। इसके बाद इसी के जस्ट सामने डायरेक्टर सर का रूम है। यहाँ पर डायरेक्टर सर का रूम है, यहाँ पर इनको भी देख पाएंगे। जिसको भी विजिट करना होता है डायरेक्टर सर से मिल लेता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंपनी ने एक छोटी सी गैलरी लगाई हुई है, जहाँ पर कंपनी ने लगभग अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर एक गैलरी के तौर पर शो पीस में रखा हुआ है ताकि आप एक बार में ही आप चीज़ों को देख पाएंगे। यहाँ पर देखने के बाद आप इधर देखेंगे सेकेंड साइड में, तो इधर आपको कुछ कंपनी की पेंट्री व्यवस्थाएँ हैं। इसके बाद जब आगे चलेंगे आप नेक्स्ट तरफ, तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है चेयरमैन सर का चैम्बर, यहाँ पर चेयरमैन सर बैठते हैं। इसके बाद इधर आप देख रहे हैं मैनेजमेंट रूम, यहाँ पर मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ पर बैठ के सर लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्लानिंग है, ये मैनेजमेंट का रूम है। इसके बाद इधर आप एक रूम देख पाएंगे इस साइड में, ये कौशिक सर का रूम है जो कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी सर लोग मीटिंग में गए हुए हैं और जैसे वो मिलेंगे हम उनसे डिस्कस करके, उनसे बातचीत करके उनके विचार भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी ने किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज की हुई है और कंपनी ने अपने सारे मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है ताकि आप जो है चीज़ों को इजी वे में समझ पाएँ और कंपनी लीडर के सारी भावनाओं को, सारे उनके जो उनकी क्वेरीज होती हैं, जो उनके सपोर्ट चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कंपनी से जुड़े कुछ फैक्ट्स, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर साबित होते हैं बिजनेस को बिल्डअप करने में, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए चाहिए होती हैं। और मोस्टली कंपनियाँ इन्हीं चीज़ों में फेल हो जाती हैं, केवल वो कागज़ों पर दिखाती हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन रियल में उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो सर्वाश्री ने यहाँ पर उन सब चीज़ों को समझा है, उसे कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज़ को मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझती है और समझते हुए ही काम करने का फैसला किया है और हमारे सपोर्ट में कंपनी खड़ी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर गैलरी ने कंपनी ने तो बनाया ही बनाया है, गैलरी के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पर लीडरों को डिस्कशन करने के लिए भी व्यवस्था की हुई है कि आप यहाँ पर प्रोडक्टों को देखने के साथ साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हैं बैठ करके। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर पूरी परफेक्ट व्यवस्था करी हुई है। लीडर्स रूम के साथ साथ ओपन रूम भी कंपनी ने दिया हुआ है जहाँ पर आप बैठ करके अपनी टीम के साथ, अपने आए हुए लीडरों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, प्रोडक्टों को यहाँ पर टच करके देख सकते हैं। बाकी तो नीचे कंपनी का जो आउटलेट है वहाँ से आप चीज़ें देख ही पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद विश्वास बनता है कि कंपनी ने जो भी व्यवस्थाएँ दी है ये कहीं ना कहीं बेहतर और अपर क्वालिटी का मैनेजमेंट है, 2.5 साल को देखते हुए यदि हम बात करें तो। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे कंपनी का ट्रेनिंग हॉल, जहां पर कंपनी अपने स्टाफ को ट्रेन करती है, अपने जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेन करती है कि यहां पर कैसे काम करना है, चीज़ों को हैंडल करने के लिए सारी जो भी कंपनी की प्लानिंग होती है वो सारी प्लानिंग कंपनी यहां से प्रोवाइड कराती है। उस रूम की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर कंपनी अपने सारे प्लान को अपने लीडरों के साथ, अपने स्टाफ के साथ पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर देखेंगे आप ये कॉन्फ्रेंस रूम, ये कंपनी का कॉन्फ्रेंस रूम है। इधर कंपनी का दूसरा डिपार्टमेंट है, स्टाफ ओनली, इधर कंपनी का बिल्डिंग होता है, नो एंट्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है इसके अंदर हम लोग चलते हैं। ये देखिए कंपनी ने अपने लीडर्स के लिए, अपने टीम मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग हॉल बनाया हुआ है जहाँ पर कंपनी लोगों को अपने आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में,
आने वाले प्लानिंग के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करती है। LED भी लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से कंपनी लोगों को गाइड करती है, जो भी चीज़ें कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है या जो कंपनी का प्लानिंग होता है अपने लीडर के साथ, जो कंपनी के स्टाफ है जो यहाँ पर ऑफिस में काम कर रहा है उसके साथ डिस्कस करती है कि हमारा प्लानिंग क्या है, चीज़ों को कैसे सेट करना है। वो सारी चीज़ें कंपनी का हेड डिपार्टमेंट यहाँ से क्लियर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वाश्री के ही प्रोडक्ट लगे हुए हैं, यानी कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है ये सर्वाश्री का ही है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपने देखा कि कंपनी का कॉन्फिडेंस हाल है। यहाँ पर यदि कोई अपने टीम को लेकर के आता है तो वो भी यहाँ पर मीटिंग कर सकता है बोर्ड बाय बोर्ड। अब हम आपको लेकर के चलेंगे कंपनी के नेक्स्ट स्टेप पे। कॉन्फ्रेंस हाल के बाद हम आपको दिखाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम दिखाने के बाद साथ में कि कंपनी का जो डॉक्टर हैं उनका चैम्बर वगैरह बनाया गया है कि नहीं। कंपनी के अंदर हम जैसा बोलते हैं कि कंपनी के अंदर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ कंपनी के अंदर डॉक्टर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, तो वो हैं या नहीं, उनके लिए कंपनी ने कुछ अलग से व्यवस्था करी है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कंपनी का डॉक्टर सर का चैम्बर, यहाँ पर कंपनी के अंदर डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो उनका पर्सनल चैम्बर है। तो ये चीज़ें आपने देखी कंपनी का कि हर एक चीज़ को कंपनी ने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।